ओम गण गणपति नमः। जय माता दी। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दुर्गा नवरात्रि के तीसरे दिन किए जाने वाले पाठ को मैं कर रही हूँ। तीसरे दिन चतुर्थ अध्याय का पाठ किया जाता है। दूसरे दिन के पाठ में हमने जाना है कैसे महिषासुर और उसकी सेना का माँ दुर्गा द्वारा विनाश किया जाता है, के बाद कैसे सभी देवता और ऋषिगण मिलके माँ दुर्गा की स्तुति करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, यही चतुर्थ पाठ में बताया गया है। चतुर्थ अध्याय का पाठ आरंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें। दुर्गा सप्तशी। श्री दुर्गा सप्तशी में वर्णित चतुर्थ अध्याय का पाठ अब हम आरंभ करते हैं। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिष के एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्रादिक देवतागण, जिनके हर्ष के कारण रोंगटे खड़े हो गए, शरीर भी सुंदर हो गए थे, प्रणाम के लिए जिनकी गर्दन तथा कंधे झुक रहे थे, अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे, जिसे देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है। सभी देवता एवं महर्षि जिनकी पूजा किया करते हैं, उन अंबिका को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारे मंगल करे, जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते। चंडिका देवी सारे जगत की पालना के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करें। जो श्री स्वरूपिणी पुण्यात्माओं के घरों में तो लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता है, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा है, कुलीन जनों में लज्जा स्वरूपिणी है। इस प्रकार की हे देवी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का एवं देवताओं और असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत का कारण हो, सत्व रज तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप ही आध्या अव्याकृता परा प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप हो एवं पितरों की तृप्ति का कारण भी आप हो। सभी लोग आपका स्वधा नाम से उच्चारण करते हैं। हे देवी, मुक्ति का कारण आप हो। आप अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हो, संपूर्ण दोषों से रहित हो, इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व का सार जानने वाले, मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं वह देवी भगवती पराविद्या आप ही हो। परम पवित्र ऋग्वेद यजुर्वेद एवं मनोहर उद्रीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का निधान हो, देवत्रयी देवी हो, छह गुणों से संपन्न भगवती हो, संपूर्ण जगत की पीड़ाओं को आप हरने वाली हो, सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हे देवी आप मेद हो, दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो, कैटब दैत्यों के शत्रु विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित स्वयं ही गौरी हो। यद्यपि तुम्हारा मुख स्वर्ण से भी उत्तम, कांति से सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुसरण करने वाला निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, तो भी इस प्रकार के चंद्रमुख को देखकर भी क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही उस पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उससे अतीव अद्भुत और विचित्र बात तो यह है कि जब वही मुख क्रोध युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भौएं अति विकराल थी, ऐसा देखकर भी महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत नहीं छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी होगा जो क्रोध
क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो, तुम्हारी प्रसन्नता से जगत की उन्नति होती है। तुम्हारे क्रोध करने पर कुलों के कुल शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, यह तो हमने अभी अभी जान लिया। जो महिषासुर की इतनी बड़ी भारी विशाल सेना क्षण भर में नष्ट हो गई। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिस पर प्रसन्न होती हैं, वे ही सभी देशों में आदरणीय हैं। उन्हें ही धन और यश मिलता है, न उनका कभी धर्म बिगड़ता है, वे ही रक्षित रहते हैं। तुम्हारी कृपा से उसे स्वर्ग लाभ होता है, इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। हे दुर्गे, आप स्मरण करने पर प्राणियों के भय हरण करती हो। स्वस्थ पुरुष जब तुम्हारा स्मरण करते हैं, उन्हें अत्यंत निर्मल बुद्धि देती हो, सबके लिए उपकार करने वाली हो। तुम सर्वदा दयामयी हो, राक्षसों का वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस सभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हो, संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए यह स्वर्ग में चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी जी, तुम दुष्टों का वध करती हो, तुम असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती? शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हो? तभी एक कारण है, क्योंकि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से पवित्र होकर तम लोकों में मर कर पहुँचे। इस प्रकार आपकी यह विचार अति उत्तम है। असुरों की आंखें तुम्हारी तलवार के उग्र तेज पुंज की झलक से एवं त्रिशूल की भयंकर चमक से चुंधिया कर नष्ट क्यों नहीं हो जाती? इसका भी एक कारण है, उन असुरों की आंखें तो आपके सुंदर चंद्र बिंब के समान मुख को देखने में ही लगी रहती हैं, उधर जाती ही नहीं। हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निर्वत्र करने वाला है, और आपका रूप अचिंत्य है, उसकी अन्य किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। तुम्हारा पराक्रम तो देवताओं के बल को नाश करने वाले दैत्यों का नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया करती हो, तुम्हारे पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है? इस प्रकार का रूप और है कहाँ? आपके चित्त में तो दया रहती है और युद्ध में कठोरता, ऐसा देखा गया है। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में यह आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी की तुमने रक्षा की है। संग्राम भूमि में उन असुरों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुँचा दिया, और हम और वह हमारा भय भी तुमने दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शूल से रक्षा करें एवं घंटा का शब्द और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडी के पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले, प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की, और नंदन वन में उत्पन्न फूलों और गंध चंदन आदि के द्वारा जगत माता की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली कि हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी हैं, कुछ भी बाकी नहीं है। हमारी इस महिषासुर शत्रु का तुमने वध कर दिया है, फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें आप वर देना चाहती हो, तो हे माता यह वर दीजिए कि जब जब भी हम तुम्हारा स्मरण करें, तब तब हमारी आपत्तियां आप दूर करें। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों के द्वारा तुम्हारी स्तुति करे, उसे वित्त रिद्धि विभव दीजिए, साथ में उसके धन अलत्र आदि संपत्ति की भी वृद्धि कीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार का वर मांगा, तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसे प्राकट्य हुआ, वह सारी कथा मैंने तुम्हें सुनाई है। फिर जिस प्रकार गौरी के शरीर से वह देवी प्रकट हुई, दुष्ट असुरों के तथा शुंभ निशुंभ के वध के लिए, देवताओं का हित करने वाली जगत की रक्षा के लिए जो जो भी चरित्र किया, वह सब मैं सुनाने लगा हूँ, को श्रवण कीजिए। इस प्रकार ये चतुर्थ अध्याय यही समाप्त होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। बोलिए जयकारा शेरावाली का बोल। साचे दरबार की जय, साचे दरबार की जय, साचे दरबार की जय। शेरावाली का बोल। साचे दरबार की जय जय।
दरबार की जय। दरबार की जय। वाली का बोल साचे दरबार की जय। दरबार की जय। की जय। दरबार की जय। वाली का बोल साचे दरबार की जय। की जय। दरबार की जय। साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। जय। शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। बोलिए जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। दरबार की जय। बोलिए जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। साचे दरबार की जय। शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। बोलिए जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। दरबार की जय। साचे दरबार की जय। साचे दरबार की जय। बोलिए जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। दरबार की जय। जय। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। की जय। की जय। बोल साचे दरबार की जय। शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। साचे दरबार की जय। दरबार की जय। दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। दरबार की जय। शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। दरबार की जय। साचे दरबार की जय। साचे दरबार की जय। जय। आशा है आपको पसंद आया होगा। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। बोलिए जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। साचे दरबार की जय। वाली जगत की रक्षा के लिए जो भी चरित्र किया वह सब मैं सुनाने लगा हूँ, उसको श्रवण कीजिए। इस प्रकार ये चतुर्थ अध्याय यही समाप्त होता है।
आशा है आपको पसंद आया होगा। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। बोलिए जयकारा शेरावाली का बोल, साचे दरबार की जय।